इनके साथ में हूँ। आपका आप वाघा बॉर्डर तक जाओगे क्या जी? अच्छा, दिन में कितने चल रहे हो आप? मेरी साइकिल 160 दिन में, कम से कम 130 कम से कम। अच्छा अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, पर भी आज का मेरा वीडियो, आज हम बात करेंगे शिहाब भाई को लेकर और साथ एक वीडियो वायरल होती है। शिहाब भाई को देखकर एक और हाजी साहब, एक बुजुर्ग हज को निकल पड़े। आप लोगों को पता है शिहाब भाई पैदल हज के लिए निकलते हैं और आज भी अभी भी अपने हज के सफर को जारी रखे हुए, और ये बुजुर्ग शिहाब भाई को देखकर साइकिल पर हज के लिए निकल पड़ते हैं। आज तकरीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं अपने हज के सफर को जारी रखे हुए, 10 से 12 दिन हो चुके हैं अपने घर से, मतलब के बरेली से निकले हुए। और रोजाना, आपको यह भी बताता चलूं कि रोजाना 130 किलोमीटर से ऊपर ये सफर तय करते हैं। लेकिन सवाल वही है इन बुजुर्ग से कि इनके पास हर चीज मुकम्मल है या नहीं है, मतलब के जैसे शिहाब के पास गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नामा भी है और जिस जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री का वीजा भी है, पासपोर्ट भी है। क्या इन बुजुर्ग के पास सब कुछ है, मतलब के वीजा पासपोर्ट, या पीछे से आएगा? पूरी तफसील, पूरी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो आपकी स्क्रीन पर, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग, इससे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कहां से चले हैं, वो बताते हैं कि मैं बरेली से चला हूं। मतलब के सारा कुछ पूछा जाता है लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि आपके पास पासपोर्ट, वीजा, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नामा है या नहीं है, ये इस बुजुर्ग से नहीं पूछा जाता। और जिसने ये वीडियो शेयर की उसने ये नहीं लिखा कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लिखा कि ये बुजुर्ग पैदल हज के लिए जा रहा है, अपने घर से बरेली से हज के लिए निकले हैं। लेकिन क्या इसके पास सब कुछ है या नहीं है? मेरे हिसाब से इसके पास भी जो शिहाब भाई को देखकर पहले निकलते हैं उनकी तरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये बुजुर्ग जो अपने दिल में नेक ख्वाहिश लेकर निकला है, बरेली से निकला है, 10 दिन हो चुके हैं, 10 से 12 दिन हो चुके हैं, हम ये नहीं कहते कि हज पर ना जाए, जाए, लेकिन हर चीज इनके पास होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। जो भी इस बुजुर्ग के हवाले से अपडेट होगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या इसके पास हर चीज मुकम्मल है या नहीं है, मतलब के पासपोर्ट, वीजा और इंडियन गवर्नमेंट की इजाजत, जैसे शिहाब भाई के पास हर चीज है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी एक वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।